हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हैं। ये देख सकते हैं कि बहुत इजी है, तो चलिए चलते हैं। तो हम यहाँ पे एक पेपर ले लेंगे, एक साइड में कुछ भी हो चलेगा बट दूसरे साइड में एकदम वाइट प्लेन होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे अब चार कट करने हैं। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कट, उसके थोड़े से दूर पर ये हम लोग ने सेकेंड कट किया, फिर ये थर्ड कट किया, अब ये फोर्थ कट थोड़ा स्पेस देकर है। आप देख सकते हैं इसे बेड है ना, इसलिए वो थोड़ा स्पेस देकर है। तो हम लोग ये खोलिए, आप देख सकते हैं ये दोनों कट। हाँ, तो अब हम कट को आगे तक बढ़ाएंगे एक साइड से कि वो बेड हो सके, बेड बन सके, कि वो ऐसे हम लोग एक साइड से बढ़ा लेंगे आगे वाले दोनों की साइड से, पीछे वाले से नहीं बढ़ाएंगे। तो ये हमने बढ़ा लिया, अब हम इसे मोड़ देंगे क्रीज बनाने के लिए यहाँ पे कि हमारा ब्रेड पॉपअप हो सके। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया। ऐसे ही हम इसे इजीली यहाँ से भी हम लोग इसे फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। ये देखिए, हमने अच्छे से फोल्ड कर दिया। तो ये अब हम लोग का बेड का हम बेस बनाए हैं। और अब आगे देखते हैं, तो ये देखिए हमने बेड के बेस के क्रीज को और ज़्यादा वो कर दिया है। तो ये करने के बाद इसमें अब हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो ड्राइंग जो है वो दो जगह की सेम होनी चाहिए, देखिए यहाँ यहाँ की सेम होनी चाहिए, और सब तो कुछ नहीं। ये बेड और ड्रॉअर वो कटिंग साइड में बनाया है हम लोग ने। ये बेड देख सकते हैं, ये यहाँ से फोल्ड और ये हम यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे। ये इजीली जाने के लिए मैं आपको एक और बार दिखाऊंगी फोल्डिंग क्रीज, फिर से फोल्ड करके आप लोग को बीच में एक और बार वीडियो के दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं वो ड्रॉअर जो हमने बीच में जो आगे दो कट किए थे, फर्स्ट दो कट, हम लोग उसे भी फोल्ड कर लेंगे। और अब हम अलमारी को रियलिस्टिक फीलिंग देंगे, जैसे हम लोग का बेड है एकदम वो रियल लगे ऐसे। अलमारी और विंडो को हम लोग देंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे कट कर रही हूँ मैं, ये इजीली हम लोग कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा आगे का ना कट हो जाए, ये हमें ध्यान से करना, क्योंकि अगर आगे का थोड़ा सा भी कट हो जाएगा तो हमारा ये नहीं हो पाएगा। तो फिर हम ये अच्छे से अब इसको फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। अब हम यही चीज़ विंडो से करेंगे, ये आप विंडो को देख सकते हैं, ये मैंने अपने हाथ से भी दिखाया कहाँ कहाँ कट करने, फिर मैं पेंसिल से भी दिखा रही हूँ कि आप लोग का रॉन्ग ना हो। अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे सबसे पहले, और फिर ये दो साइड कट कर लेंगे यहाँ, और फिर इस साइड भी हम लोग सेम चीज़ दोहराएंगे। और हम लोग अब फोल्ड कर लेंगे। तो ये फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे उसको कलर भी कर लेंगे। पहले मैं आपको ये चीज़ और अच्छे से बता देती हूँ कि मैंने ये क्रीज कैसे बनाया। ये जब मैंने फोल्ड किया था तो फिर मैंने आगे से भी अच्छे से फोल्ड कर लिया था, ये आप देख रहे हैं, तो ये ऐसे हो गया था। तो ऐसे मैंने क्रीज अच्छे से बनाया। अब हम लोग इसे कलर कर लिया ऐसे, अब हम ये बना लेंगे, ये बहुत ईजी है। अब हम लोग इसे कलर करते हैं, ये इसके चादर है, तो फिर अब मैंने इसे कलर कर लिया। अब आगे चलते हैं, अब हमें एक पेपर से इसको चिपकाना है। हम यहाँ पे इसको ग्लू से भी चिपका सकते हैं, जैसे हम लोग इसको नोटबुक में बना सकते हैं, उसके लिए हमें ग्लू से चिपकाना होगा। और हमें इसे ग्लू से चिपकाना ज़्यादा बेटर रहेगा, पर यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि हम लोग इसे डबल साइडेड टेप से भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने डबल साइडेड टेप से किया, वरना ज़्यादा बेटर ग्लू से ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि डबल साइडेड टेप से कैसे करते हैं। हमें डबल साइडेड टेप बस कॉर्नर्स में लगाने हैं, वो हमें बीच में नहीं लगाने हैं, मतलब वो बस हम चार साइड्स में लगा लेने हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि अगर हम लोग उसे बीच में लगाएंगे तो हमारा वो फोल्ड नहीं हो पाएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया, ये लगा के मैंने एकदम थोड़ी थोड़ी जगह लगाई है, और जहाँ जहाँ हम लोग का फोल्डिंग हो रहा है वहाँ वहाँ हमें नहीं लगाना है। हमें ये याद रखना, हमारा बेड फोल्ड हो रहा है तो वहाँ पे नहीं लगाना है, हमारा अलमारी खुल रहा है तो वहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम बेड या फोल्डिंग के आसपास लगा देंगे, अलमारी के आसपास लगा देंगे, या फिर वो ड्रॉअर के आसपास लगा देंगे, तो हमारा नहीं हो पाएगा। हमारा मैट नहीं हो रहा है हमारे मैट के साथ कुछ भी, इसलिए मैट पर लगा रही हूँ और कॉर्नर्स में लगाई हूँ मैंने एक। फिर ये देखिए, ये मैंने लगा दी, फिर मैंने एक पेपर स्टिक कर दिया इजली,
यहाँ पे, तो ये पेपर स्टिक हो गया। अब इसे जैसे अच्छे से हम लोग फिर से एक बार कर लेंगे क्रीज, इसके सारे जितना भी चीज़ बनाया है सबका क्रीज एक बार मज़बूत कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने ड्रॉअर का भी क्रीज़ मज़बूत किया, पर मैंने किया है, तो उसका भी कर लीजिए। और यहाँ यहाँ हमें ग्लू चिपकाना है जहाँ जहाँ ये पर्पल लाइन्स है, और फिर ग्लू चिपकाने के बाद हम इसे ऐसे चिपका देंगे। ये आप देख सकते हैं, हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन में जो आई थी वो बेड के अंदर रख सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो आप ये सब देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे एक क्यूट गर्ल है, वो आप उस बारबी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। पेपर डॉल अगर आपको चिंता हो रही है तो क्या रखें, तो और भी मेरी बहुत सारी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।